बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज हम बनाएंगे सिंधी रिली, कलरफुल खूबसूरत। मैं ये डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये स्टफ़ मेरे पास अभी अवेलेबल है। ये मैं दो कलर्स में एक जो है आपको बारी बनाना सिखाऊँगी, जो मैंने पहले से थोड़ी सी पट्टियाँ वगैरह काट के रखी हुई हैं, और कुछ मैं आपके सामने ही आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले ये जो त्रिकोण है, ये देखिए, ये चार जो है मैंने पीसेस बना के रखे, ऐसे ही सेम है। ब्लू कलर के भी जो है कटिंग करूंगी, देख लीजिए। और ये मैंने लिए हैं जो है 3 इंच, देख लें आप, ये मैं 3 इंच आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कितना भी कर सकते हैं, जितना छोटा होगा उतना खूबसूरत नज़र आएगा। और ये भी देखिए, ये ब्लू कलर का भी, ये बिल्कुल 3 इंच। ठीक है, अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ, देख लें। और इसको कटिंग करने के बाद मैं जो है येलो कलर और ये ब्लू कलर आपस में जो है जोड़ दूँगी। ठीक है, ये चारों मैं आपस में जोड़ दूँगी। ये देखिए, मैंने ये चार कटिंग कर लिए, देख लें आप। और ठीक है, ये देखिए, अब मैं इनको सिलाई कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने चारों जोड़ लिए। अब जो है ये जो सेंटर का पीस है जो उसमें आएगा, वो भी 3 इंच मैंने लिया है। और उसमें जो ये मैंने लाइनिंग की पट्टियाँ बनाई थी, वो उसमें मैं जोड़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लाइनिंग की पट्टियाँ बनाई थी, ये देखें, आपस में जोड़ दी थी मैंने। ये बीच में मैंने येलो कलर का रखा हुआ था और आपस में मैंने वो जोड़ी हुई थी। ठीक है, तो एक जो है लाइनिंग वाली पट्टी लेफ़्ट से, एक राइट से, बीच में प्लेन जो है ब्लू कलर की पट्टी लगेगी, देख लें आप। ठीक है, ये मैं बना रही। और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं, सैम सैपलिंग कलेक्शन को वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आगे भी शेयर करते रहें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। ठीक है, ये त्रिकोण जैसे मैंने पहले बनाए थे, अब मैं दोबारा जोड़ रही हूँ। ठीक है, ये देख लें। प्लीज़ व्यूअर्स, मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी शेयर करते रहें, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देने वाली हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ये देख लें, बहुत ही आसान है। घर पे जो पुराने कपड़े पड़े होते हैं जो है, उसमें से भी आप बना सकते हैं। हम लोग तो ज़्यादातर पुराने कपड़ों में बनाते हैं। ये एक जो है सेंटर वाला मोटिफ जो जैसे बनते हैं, वो बन गया। अब इसमें जो चारों तरफ ये पट्टियाँ जो है 1-1 इंच की जो है ये जुड़ेंगी चारों तरफ। उसके बाद जो है उससे 1 इंच कम, उससे 1 इंच कम जो है करके ये चारों तरफ से हमने ये पट्टियाँ जोड़ देनी है। ठीक है, ये हमने पट्टियाँ सारी जोड़ देनी है चारों तरफ से। ठीक, और ऐसे करके हम सारे जो है कलरफुल जो है बारियाँ बना सकते हैं, फिर आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए, और उसको उसको जोड़ने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर अभी बताया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देख लें, ये जैसे यहाँ से खुले हुए हैं जगह, तो इसमें जो कलरफुल ब्लैक एंड वाइट कलर की जो टुकड़ियां हैं वो डालकर हम आपस में जोड़ते जाएंगे, और वो हाथ से जुड़ेगी। ठीक है, वो मशीन पे नहीं जुड़ेगी, या हाथ से जुड़ेगी एक एक करके डाल के। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।